उस टाइम टिपो पॉइंट बोलते थे, उसने क्या करता था नीचे से धक्का देता था। पूरा बेंगलुरु देख सकते हो, ठीक है, अब एक बार बेंगलुरु दिखा देना, पूरा बेंगलुरु देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, नंदी हिल्स के लिए ये है वाया। आज मैं आया हूँ एक भास्कर भाई के साथ, ठीक है, भास्कर हमें दिखाएगा पूरा। ये ऑटो भी मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, करो नंबर 30 भाई। टोटल देखो ऐसा है ना, टोटल 16 हेयर पिन बेंड्स यहाँ मिलेगा आपको। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर इट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर। ओके, जस्ट इट गिव्स फील लाइक उत्तराखंड हिल्स। जैकेट इज मैंडेटरी हियर, ठीक है। जब नीचे थे ना उस टाइम बहुत गर्म नहीं लग रहा था, जैसे अभी ऊपर जैसे हम बढ़ रहे हैं इतना ठंडी लग रहा है ना, मतलब कंट्रोल जैसे है ना, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है। पूरा प्रॉपर जैकेट पहन के आइए आप यहाँ आने के लिए। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड नंदी हिल्स। ये है पार्किंग एरिया नंदी हिल्स का। यहाँ पे जो प्राइस है, ये बैग के लिए 20 रुपये है, हर हेलमेट के लिए 20-20 रुपये, टोटल 60 रुपये हमने। ये टोटल टाइम वगैरह 6:30 फुल डे है। ओके, ये छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स है, आपको टी और कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है ऊपर अवेलेबल है। ये टोटल पार्किंग, मैं नीचे से आई है पर जा रहे अब। ओके, आप ये बोल सकते हो जो नंदी हिल्स का जो हाईलाइट पॉइंट है, जो मेन एंट्री पॉइंट है वो यह है, ठीक है। अंदर क्या है आपको सब दिखाएंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो इसको टिप्पू सुल्तान ने बनाया था, ये जो किला को जस्ट ही इट एज अ वॉच टावर। ओके ब्रो, जो ये जो व्हीकल है ना, इनके साथ चल नहीं पा रहे हो, इसमें बैठ जाओगे ये पूरा घुमा देगा आपको। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है और भी टेंपल, हर चीज़ है यहाँ पे, इसमें वो घुमा देगा। देखो ओनली भाई 25 रुपये का टिकट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग चल रहे फिर भी इन लोग बैठ रहे, इट इज़ देयर मिस्टेक। स्विमिंग प्लेस बोल सकते हो आप, बातिंग प्लेस आप, टिप्पू सुल्तान ना, इट्स बिल्ट बाय टिप्पू सुल्तान, ठीक है, देख सकते हो। अभी तो पानी नहीं है, आई थिंक बारिश का टाइम पे फुल हो जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा। देखो साइड में पूरा ग्रीनरी, ठीक है, अंदर मछली भी है। अंदर एंट्री लुआ चनो, एंट्री ऑन दिस पॉइंट। देखो एक रेड कलर का एक मछली दिख रहा होगा आपको। देखो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन भास्कर भाई बताएगा भाई, कहाँ जा रहे हैं हम नेक्स्ट? सनराइज़ व्यू पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं भाई, चलो दिखाते हैं। बट अभी सनराइज़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है, अभी कितना टाइम बज रहा है, व्हाट इज़ टाइम नाउ? अभी 1 घंटा। अच्छा 1:00, अभी कहाँ सनराइज़ होगा? अब सनसेट होने वाला है बट 4-5 बजे वेट करना पड़ेगा मुझे। अब बस जी हमको पॉइंट दिखाएंगे कहाँ से होता है, क्या है? ओके ओके, स्क्वायरला। ओके भाई ये देख सकते हो आप, कितना छोटू स्क्वायरल खेल रहा, अकेला सिंगल है, जस्ट लाइक भास्कर एंड मी। भास्कर भाई इससे पहले कभी आया था यहाँ पे? कितना बार आया टोटल? मैं बहुत बार आया, वो 15 times। ओके 15 times। ओके हाउ यू आर फीलिंग कंपेयर टू अर्लियर ट्रिप टू दिस? ये बहुत अच्छा है, वो 1 घंटा में नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है तो सुबह आ रहा है वापस चलेगा। अच्छा 1 घंटा आए तो डिफरेंट फीलिंग आ रहा है। ओके भाई तो आप लोग आए ना इसलिए आया है, बिकॉज यू केम विथ मी, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग बेटर। या दैट्स गुड यार। Okay. Yeah, it is a sweater mainly. Okay. It will collect the tiny drops from the fog. Okay. And it look like a jewel. So we call and nature enthusiast will look into that and call. It looks as a jewel of the forest. Okay. Yeah. Means usually it's called as a jewel of forest. Yes, a sweater web. Okay, bro. Because of its ornamental character, na? Yeah. Yeah, great.
जस्ट ये एक है जैसे एक ऊपर ना वॉकिंग करने के लिए, हम देखो नॉर्मली लोग यहाँ करते हैं, बट आप लोग नंदी हिल्स आओगे ऊपर वॉकिंग करना पड़ेगा। और ऊपर जब मॉर्निंग टाइम आते हो ना उस टाइम ये जो नीचे वाला जो पूरा एरिया है ना फॉग से कवर होता है और आपको ऊपर ऐसा लगता है कि हम फॉग का ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील होता है। ये भास्कर भाई ने बताया अप टू द फॉग कवर्स ना, अप टू दिस फॉग कवर्स एंड देयर आफ्टर इट इज जस्ट एज इट इज एंड इट फील्स वंडरफुल ना, ओके व्हेन वी कम एट मॉर्निंग टाइम। ब्रो ये जो एरिया है सनराइज एरिया है, ठीक है, सनराइज पॉइंट बोल सकते हो टोटल ना। सुबह सुबह आप आओगे क्या होता है ये जो फॉग है ये इसको टच होके जो पत्थर को टच होके जैसे मुंह होता रहता है ये देखने को बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है यहाँ पे बहुत मूवी का शूटिंग भी हो चुका है, जैसे बॉलीवुड में भी हो चुका है, अपना सैंडलवुड में एक युवरत का पुनीत राजकुमार का मूवी भी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे पूरा फैमिली जोन, ये यहाँ पे ना सुसाइड पॉइंट भी बोल सकते हैं और सनराइज पॉइंट भी बोल सकते हैं। सुसाइड करोगे उन लोगों के लिए यहाँ पे आउटपोस्ट भी बना रखे हैं और इनके साथ एंजॉय करने आओगे, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे है। ये है सुसाइड पॉइंट, am I right? हाँ ब्रो सुसाइड पॉइंट। देखो फोटोग्राफी कैसे हो रहा है यहाँ पे, उधर है बेंगलोर, वहां से आके ठीक है वो जो रोड देखो वो यहाँ पे दिख रहा रोड, ये रोड से हमने यहाँ से राइड लेके ठीक है और ये जो पहाड़ से हम घूम के एक रास्ता है ये देखो इसका अंदर रास्ता है ये होके यहाँ पे हमने अंदर एंट्री किया है। देखो आजकल क्या होता है सुसाइड पॉइंट जो इनके साथ का लव ब्रेकअप हो गया उनके लिए ये एक सुसाइड पॉइंट है। जब टिप्पू सुल्तान सर पे उस टाइम क्या होता था उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एनमी वगैरह यहाँ अटैक कर दिया उनके 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 उसको पकड़ लिया उसके बाद वो क्या करेगा ये है टिप्पू पॉइंट, ठीक है, उस टाइम टिप्पू पॉइंट बोलते थे। उसने क्या करता था नीचे से धक्का देता था उसका ना एक पीस भी नहीं मिलता था, ठीक है, बॉडी का पीस, ठीक है, वो वाला जो इसलिए इसको टिप्पू पॉइंट बोलते हैं। देखो भाई इससे थोड़ा बच कर आना यहाँ पे, ठीक है, देखो चोट भी घूम रहा है। अरे वॉक भाई वॉक ना, या सो भाई यू डिडंट टू गेट कन्वीनियंस यू वांटेड टू वॉक सो यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू वॉक या या ओके आई थॉट यू डिडंट गेट कन्वीनियंस दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग दैट्स ओके या हाउ आर यू फीलिंग नाइस या सो यू कैन गो देयर देयर इज अ सुसाइड पॉइंट बेटर देन दिस वन। तो भाई अभी टिप्पू ड्रॉप देख लिया हमने दैट इज सुसाइड पॉइंट, अभी हम आपको ले चलेंगे और एक पॉइंट है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं और उसका बारे में बताता हूँ। सनराइज पॉइंट, ठीक है, आपको इसका मजा लेने के लिए मॉर्निंग आना पड़ेगा 4 बजे उठ के, 6 बजे तक आपको पूरा बढ़िया व्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ से और एक पॉजिटिव पॉइंट है आपको यहाँ से बैठ खड़े खड़े होकर आपको पूरा बेंगलुरु देख सकते हो, ठीक है, अब एक बार बेंगलुरु दिखा देना, देखो पूरा जो छोटा मोटा जो लेक है हर चीज़ दिख रहा है यहाँ से, पूरा बेंगलुरु दिख रहा है, नॉट ओनली बेंगलुरु कर्नाटक भी दिख रहा है मुझे। देखो भाई यहाँ एक नंदी हिल्स में एक टेम्पल है नंदी योगेश्वर बोलते हैं उसको, इसलिए इसको नंदी हिल्स करके नाम आया है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस टेम्पल। एंड एक योगी करके एक सेज था, इन्होंने मेडिटेशन करके गया है इसलिए इनका एक टेम्पल यहाँ बना रखे है, ठीक है, एक बार दिखा देंगे टेम्पल का व्यू। आपको लेके जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, दैट यू नेवर बिलीव ऐसे भी हुआ था क्या करके, ठीक है, वो क्या है थोड़ा सा जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिए दिखाऊंगा।
ये मत बोलना, एक सेकंड से ज़्यादा हो गया। देखो भाई, ये जो ब्रिटिश का एक किंग था कनिंगहम करके, उन्होंने 1880 में ये डबल स्टोरी का एक बिल्डिंग बना दिया। उसके बाद ना, जब 1947 में हमको स्वतंत्र मिल गया, उसके बाद 1962 में नेहरू सर ये यहाँ पे अपना वो जो समर का जो टाइम होता है ना, यहाँ पे स्पेंड करते थे अपना वैल्यूबल टाइम। ओके, थोड़ा देखो देखो कितना बढ़िया एक यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो फ्लावर्स और श्रब्स सब यहाँ पे फैला हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये जो पार्क। और फाइनली आफ्टर 2 hours ऑफ जर्नी, सो आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो। रियली आई कवर्ड ऑल द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस किला। मैं तो बहुत इन्जॉय किया, बट अकेला मत आना, क्योंकि अकेला आओगे तो यहाँ आईडी डिपॉजिट होगा, उसके बाद आईडी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब हमेशा साथ में आ जाओ एटलीस्ट एक दो बंदे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर क्या डाउट करेंगे, वो सुसाइड करने आ रहे हो ऐसा चीज़ करके, मतलब आपको परेशानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा।